जय श्री कृष्णा, वेलकम टू स्नेहा किचन। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल आलू मटर की सब्जी। सबसे पहले हमने यहाँ पर पैन में थोड़ा सा तेल डाला है और उसको गर्म किया है। हम इसमें दो मीडियम साइज के आलू जिसको हमने कट कर लिया है वो डाल देंगे। हमें कच्चे आलू को सेलो फ्राई करना है, हमें इसे ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस उस पर थोड़ी सी ब्राउन परत आ जाए तब तक ही हम उसे फ्राई करेंगे। आलू में ब्राउन परत आ गई है, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। हमारे आलू है वो सेलो फ्राई करते हुए ही आधे पक गए हैं। अब हम गैस पर एक पैन रखेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें 2 लौंग, 1 दालचीनी, 2 इलायची और 4 काली मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे। अब हम इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, 3 हरी मिर्च और 8 कली लहसुन की बारीक कटकी हुई डालेंगे। अब हम इन सबको अच्छे से रोस्ट करेंगे। अब ये सब अच्छे से रोस्ट हो गया है, अब हम इसमें 1 मीडियम साइज की प्याज है जिसको हमने बारीक काट लिया है वो डाल देंगे। अब हम इसे भी अच्छे से मिला के रोस्ट कर लेंगे। अभी प्याज है वो अच्छे से गोल्डन हो गई है। अब हम ढाबे में जो सब्जी में सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालते हैं वो डालेंगे। वो इंग्रेडिएंट्स है बेसन, ये हम 1.5 टेबलस्पून डालेंगे। इसे भी इसके साथ अच्छे से रोस्ट करेंगे। बेसन अच्छे से रोस्ट हो गया है, अब हम इसमें 3 टमाटर की प्यूरी डालेंगे। हमें इसे दरदरा पीस लेना है। अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसे ढक देंगे और 2 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। अब हम सब्जी के लिए एक मसाला तैयार करेंगे। 1.5 टेबलस्पून मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1.5 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे मिला लेंगे। अब ये मसाले का घोल तैयार हो गया है। ऐसे मसाले डालने से हमारी सब्जी का टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। 2 मिनट हो गए हैं, हमारे टमाटर की जो प्यूरी है वो भी अच्छे से पक गई है, उसमें से तेल बाहर आने लगा है। अब हम इसमें हमारे जो मसाले की पेस्ट बनाई है वो डाल देंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। ये सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। हम इसे थोड़ा हाथों से मसल के डालेंगे। इसे भी मिला लेंगे। अब हम इसमें हमारे सेलो फ्राई आलू डाल देंगे। 1 कप हरे मटर डाल देंगे। सब्जियों को अच्छे से मिला लेंगे। अब ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। अब हम सब्जी को ढक देंगे और 5 मिनट तक उसे बॉईल होने देंगे। हमारा गैस की फ्लेम है वो मीडियम कर देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल देंगे। अब हम इसे मिला लेंगे। लग रही है ना बिल्कुल ढाबे जैसी। आप इसे एक बार जरूर बनाइए, आप ढाबे की सब्जी को भी भूल जाएंगे। हमारी ढाबा स्टाइल आलू मटर की सब्जी तैयार है, अब हम इसे सर्व करेंगे।